देख लो गाइस, दोनों हस्बैंड वाइफ हैं और इधर आ जाता हूँ मैं। चलो देख लो भाई, जो एज को एक्सक्यूज देते हैं ना, भाई की उम्र बताई दी है और देख लो बॉडी। थोड़ा स्टेडियम जहां हो रहा है एक कंपटीशन, आप दोनों कपल्स को देख लो, ये वाइफ है ये हस्बैंड है। इनका नाम है राज कन्नौजिया भाई और हमारे साथ खड़ी हुई है IBBF प्रो ज्योति कन्नौजिया। तो सबसे पहले राज भाई, आपका स्वागत है राज माथुर फिटनेस पे। तो राज भाई, आपको बॉडी बिल्डिंग करते हुए मैंने बहुत बार देखा है, ज्योति को कैसे बॉडी बिल्डिंग में लेके आए? ज्योति को, हाँ तो ज्योति को अगर मैं बताऊंगा तो थोड़ा अलग लगेगा, ज्योति खुद ही बताए तो हाँ, तो ज्यादा मैं अच्छा ज्योति से पूछ लेता हूँ। है। ज्योति, आपको बॉडी बिल्डिंग में कैसे राज लेके आए और राज का क्वेश्चन अभी पेंडिंग पड़ा है, बताओ। मुझे ये लेके जबरदस्ती नहीं आए, मैं अपनी मर्जी से आई खुद ही। मेरा मैं इनके साथ जाती थी कंपटीशन में, सबको देखती थी, इनको भी देखा, मैंने फीमेल्स को भी देखा। तो इन्होंने मुझसे कैजुअली एक बार पूछ लिया था कि ज्योति तुमने इस लाइन में ज्वाइन करना है, कुछ करना है फिटनेस में। तो मैंने भी, मैं हाउस वाइफ थी नॉर्मल, तो मैंने भी इन्हें बोल दिया हाँ मैं भी इसमें आगे बढ़ना चाहती हूँ। तो बस उस दिन से कहानी शुरू हो गई। उसके बाद इन्होंने मुझसे पूछा था कि देख, आप अभी तक एक हाउस वाइफ की तरह घर में सूट सलवार ये पहनते थे, उसके बाद जब आप पूरे स्टेज में उतरोगे तो टू पीस में उतरोगे तो बहुत से लोग बोलेंगे, देख मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता लोग क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते। क्योंकि कोई भी लड़की हो, कोई भी फीमेल हो, अगर वो स्टेज पे उतरती है तो जाहिर सी बात है कि 10 लोग बोलते ही हैं। अगर 10 लोग अच्छे बोल रहे हैं तो पीछे से 90 लोग खड़े हैं जो फालतू के कमेंट्स करते हैं। तो कह रहे थे मुझे कोई नहीं फर्क पड़ता, कोई कुछ भी बोले, अगर तू ये कर सकती है तो उतर स्टेज पे। तो मैंने भी, हूँ तो इन्हीं की वाइफ, तो उतर गई स्टेज पे। राज भाई, जैसे कि ज्योति ने बताया कि जब ये बॉडी बिल्डिंग में आई, एक हस्बैंड का ना माइंडसेट बहुत स्ट्रॉन्गली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और लोगों की जो बातें हैं बाद में आपने सुनी होंगी तो बहुत कुछ बहुत सुनी, किसी ने मुंह पे नहीं बोला, पीठ पीछे बहुत सुना। जैसे कि रिश्तेदार जैसे भाइयों ने, नहीं रिश्तेदारों ने तो कुछ मेरे बोलते ही नहीं भाई। उन्हें बताया कि यार देख तो मेरी सिंह राशि है, तो वैसे नहीं बोलते कि यार बोलना फायदा नहीं है, मानेगा है नहीं किसी की। ठीक है, तो मैं किसी की नहीं मानता भाई। देखो जब मेरे इसने दिमाग ने कह दिया सबसे पहले दिल, तो मैं फिर किसी की मानता नहीं भाई। मैंने कहा नहीं मुझे कराना है। आप ना देखो, आप सभी उन फीमेल्स के लिए मोटिवेशन हो जिनकी वाइफ कुछ करना चाहती है एज ए हस्बैंड हो। हाँ यार, उन्हें कराना ठीक चाहिए, कराना अब समय चाहिए। बदल चुका है। और देखो यार, पता क्या, हाउस वाइफ जितना घर में रहेगी, देखो एक ना एक बहुत सारी वीडियो बन रही है अभी भी, कहते हैं यूट्यूब पे कि 30 साल के बाद फीमेल्स की ना बॉन डेस्टिनी खत्म हो जाती है, क्योंकि बच्चे देती है यार, बच्चे उससे बच्चे ही पैदा हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। तो उसको फिजिकल वर्कआउट करना जरूरी है कि उसे जिम में 1-1.5 घंटा छोड़ो भाई, ढूंढना पड़ेगा। नहीं छोड़ोगे तो वो जल्दी नहीं पड़ जाएगी, वो 50 साल की उम्र में जाके ऐसे ही देखोगे कि सीढ़ी भी नहीं चढ़ पाएंगे। अच्छा भाई, मैं ना आपको एज नहीं बोलूंगा, ठीक है? आपको ना सारे लोग वीडियो में देखने के बाद ना ये बोलते हैं 24-25 साल का, ठीक है? अपने बेटे की उम्र बताना जरा। मेरा भाई 13 साल का बेटा और I+14 हो ही जाएगा, और 18 साल की लड़की है। 18 साल की बेटी है, तो भाई की उम्र कितनी है? अब लगा लो, गैस कर लो। ठीक है, तो भाई कमेंट में भाई की उम्र जरूर डाल देना। ज्योति, जैसे कि आप सभी बाहर फीमेल्स को देखती हो, कभी गोलगप्पे खाने का मन नहीं करता? पहले जरूर करता था, अब नहीं करता। अब नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं करता। सच बताऊं तो मैं उसके आगे से पूछ रही थी, तो अब मेरा बिल्कुल मन नहीं करता, क्योंकि फिटनेस लाइन में जो फीमेल्स डाइटिंग करना चाहती है और उनके पास एक्सक्यूज है ना, तो देख लो, बिल्कुल भी नहीं करता ना। और मैं एक टाइम पे बताऊं, मेरे को बहुत ज्यादा पसंद थे, मैंने ऐसे कोई ऐसे गोलगप्पे नहीं जो नहीं खाए, तीखे से तीखे बहुत सारे खाए। बट अब जब से मैं इस लाइन में हूँ, जब से मैंने, मुझे इसका कोई इंटरेस्ट नहीं है, शौक ही नहीं है, क्योंकि फिटनेस लाइन में मैं जा चुकी हूँ, तो अपना गोल अलग हो, अपना गोल एक अलग है। तो राज भाई, अभी जो है आपको सबसे पहले तो कंपटीशन में जीतो गई, आप मेडल लेके उतरते हो, ठीक है? और ज्योति की जो प्रेप है, अभी कितने टाइम से डाइटिंग पे हैं? अप्रोक्स 5 months+ हो चुके हैं, मगर अभी कुछ दिमाग में नहीं है कि खेलना क्या है। अच्छा, अभी दिमाग में नहीं है, बस ये करना है कि भाई अपना को ऐसा जब जाना है कि अगर आज अगर प्रो शो होता है तो 10 दिन पहले की तैयारी करके पहुंच जाए। अच्छा, ये इसके दिमाग में। हाँ, मैंने देखा एप्स वगैरह सारे। हाँ, सब क्लियर है, सब क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। 10 दिन की बात है बस, 10 दिन बाद ही कोई भी कंप्यूटर से खेल सकता है। अभी मैंने 2-3 महीने पहले आपको बिल्कुल गोल देखा था, मतलब 2 महीने पहले। तो अभी इस फॉर्म में खड़े हो गए हो। आज के टाइम पे जो यूथ ये बोलता है कि मैं तो बॉडी बिल्डिंग में जाऊंगा, 1 साल के अंदर सारे मेडल जीत लूंगा, उनके लिए क्या? ऐसा कभी नहीं हो सकता। देखो यार, अब मैं अपनी एज ही बताया था, मेरा 43+ हो रहा हूँ मैं, और मेरे करीब 190 कॉम्पिटिशन हो चुके हैं। अच्छा, और मेरा 200 का टारगेट है पूरा, कि 200 कर लूंगा पूरा पूरा करके, शायद संन्यास भी ले लूँ, मगर होता नहीं है ऐसा। दिल में ऐसा होता है कि यार आज कॉम्पिटिशन खेल के कल मर जाऊँ, कोई दिक्कत नहीं, मगर खेलना है। अच्छा, पता नहीं यार दिमाग भाई, ऐसा 43 ईयर्स की ओल्ड है भाई की। अभी मैं तो एज बता नहीं रहा था भाई, क्योंकि बहुत से लोग अपनी एज छुपाते हैं, और उस हिसाब से आप जो, जैसे कि भाई ने बताया कि 18 साल की बेटी है इनकी, तो अभी
ऑफ रहना है या गेम करना है? नहीं अभी तो मैं, अब तो मैं चालू हो चुका हूँ। चालू हो चुका। अच्छा मैं एक चीज और पूछना चाहता हूँ, बॉडी बिल्डिंग का, बॉडी बिल्डिंग में फाइनेंस पैसा बहुत लगता है यार, तो दोनों लोग कैसे? नहीं नहीं नहीं, देखो ये ना कहने वाली बात है, देखो अब लोग कहते हैं बॉडी बिल्डिंग में बहुत पैसा लगता है, कहने वाली बात है। आप अपने आपकी बॉडी टाइप को मेंटेन करके चलो, और दिन के हिसाब से, डेली के हिसाब से आप अच्छा अच्छा खाओगे ना, आपको लास्ट में प्रेप में दिक्कत आएगी नहीं। अच्छा ऐसा ऐसा तो होता ही होगा, ये तो पूछना ही नहीं बनता, कि आपकी दोनों की डाइटिंग बनी हुई है, मतलब डाइट बनी, बॉइल फूड बना है, तो कभी ज्योति ने या तुमने ये बोला हो कि इसमें नमक कम है या मिर्च कम है या कुछ? नमक डालते ही नहीं, बिना नमक के खाते हैं। और मैं 2019 एमेच्योर ओलंपिया में था, तो मैं ज्योति से एक क्वेश्चन कर रहा था कि मिर्ची वगैरह तीखा वीखा पसंद नहीं है, तो बोली मैं तो हरी मिर्ची खाती हूँ। हरी मिर्च? आप हरी मिर्च 50 भी खा जाती है? अच्छा उसकी कोई टेंशन नहीं है। लाल मिर्च मेरे घर में नहीं आती, मेरे बच्चे भी नहीं खाते। अच्छा कोई लाल मिर्च, गर्म मसाला मेरे बच्चे भी नहीं खाते। ओके उनको शुरू से वैसे। तो गाइस देख लो आप सभी को कितना हस्बैंड वाइफ का एक कपल है जो कि दोनों बॉडी बिल्डिंग करते हैं। आज के टाइम पे जो लोग ये बोलते हैं ना कि बॉडी बिल्डिंग एक्सपेंसिव गेम है, तो उसके लिए इन्होंने अभी बताया है। वो एक्सपेंस तब होता है कि जब आप गलत कोच के गाइडेंस में जा रहे हैं, वो आपको 1-10 बता रहा है, जब बड़ी हो जाती है वो अमाउंट। अगर अपना दिमाग भी थोड़ा लगाओ और अच्छे कोच के अंडर में जाओ, उसको सबसे बड़ी बात है अपनी फीस पे करो, तो भाई ये मेरी फीस है ये ले लो भाई, क्योंकि देखो नॉर्मली बात है, वो भी कोच है यार, वो भी बैठा हुआ है, वो घर चलाएगा क्या चलाएगा, उसे फीस पे करो, उसे बताओ भाई मुझे लिख के दे दो, सामान चेक कराओ अपना करो, और सामान जितना कम डले उतना ज्यादा अच्छा है यार। आजकल तो ऐसा हो रहा है मुंह से भी खा रहे हैं, लगे हुए खाने में, पता नहीं क्या आजकल की। अगर यूथ के लिए दो वर्डों में कोई टिप्स देनी हो तो भाई? भाई मैं तो यही कहूंगा कि सामान पे डिपेंड मत रहना, अपनी डाइट पे, अपने मेहनत पे फोकस कर लो, तो आप भी हमारी तरह लंबा जा सकते हो। शायद मुझे लगता है कि मैं 50 साल का भी ऐसे दिखूंगा, मुझे लगता है, ठीक है। बाकी क्योंकि मेरा, अब मैं आपको एक अनाउंसमेंट और भी कर देता हूँ, नेक्स्ट ईयर, शायद नेक्स्ट ईयर या 1-1.5 साल के अंदर मैं अपना लड़का भी नेचुरल में उतारूंगा, तब देखना कि मेरे लड़का भाई पूरी फैमिली जो है ना बॉडी बिल्डर हो जाएगी। ज्योति, जो फीमेल्स ये कहती है मेरे से डाइटिंग होती नहीं है, उनके लिए अगर दो वर्ड कुछ कहना है, जैसे उन्हें पतला होना है, बहुत से जो फीमेल्स हैं ग्रहणी हैं जो कि क्या नाम है पतला होना चाहती हैं, 4-5 दिन डाइटिंग कर लेती हैं और उसके बाद फिर जो है। देखो पहले तो ये कि 4-5 दिन में कोई पतला नहीं होता फीमेल्स का, मेरे अंडर भी बहुत सारी फीमेल्स आती हैं जो कहती हैं मैम हमने 10 दिन बाद शादी में जाना है कुछ कर दो, तो ऐसे नहीं होता है कि आप 10 दिन में बहुत कुछ कर लोगे। उसके लिए सबसे पहले ये है कि फीमेल्स के लिए कि आपका माइंड सेट होना चाहिए, जब तक आपका माइंड सेट नहीं होगा जब तक आप कुछ नहीं कर सकते, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, चाहे वो 5 दिन हो चाहे 10 दिन हो, जब तक आपका माइंड सेट नहीं है आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। उनका ये कि अगर हम आज 1 महीने के लिए जिम चलेंगे तो 1 महीने में हमारा पूरा हम फिट होके निकलेंगे बाहर, ऐसा नहीं होता। इंस्टाग्राम आईडी बता। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है IPProJyotiKanojia9911। राज भाई? राज कनौजिया ऑफिशियल। तो गाइज दोनों की बॉडी देख लेते हैं एक साथ, बहुत दिनों से मैंने भी पोजिंग दोनों की एक साथ नहीं देखी है, तो एक बार जो है दोनों इधर से बना, इधर से देख लो गाइज, दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, और इधर आ जाता हूँ मैं, चलो देख लो भाई, जो एज को एक्सक्यूज देते हैं ना, भाई की उम्र बताई दी है और देख लो बॉडी भी। और अभी एक बात और बोली है राज भाई ने कि मैं 50 साल का भी ऐसे ही दिखूं, ऐसे ही दिखूंगा अगर जिंदा रहा, ठीक है। तो भाई वीडियोस आप सभी के लिए ऐसी आती रहेंगी, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।